और हम ये देखते हैं कि टाइम वेस्ट करना कब अलाउड है और कब नहीं अलाउड है. टाइम वेस्ट करना कब अलाउड है, कब नहीं अलाउड है. तो वेकेशन में टाइम वेस्ट करना अलाउड है क्या, या वेकेशन के बाद एग्जाम टाइम पे या स्कूल टाइम पे कब वेस्ट कर सकते हैं टाइम? वेकेशन में. वेकेशन में यही तो सोचते हैं ना सब बच्चे. लेकिन सही बात क्या है आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है सही बात क्या है? नहीं. टाइम कभी भी वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उसको अच्छा यूज करना चाहिए. देखो, जब सो रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सोते हैं तो टाइम वेस्ट होता है? नहीं, नहीं होता. नहीं. है कि वेस्ट है? नहीं होता. सोना टाइम वेस्टेज है कि नहीं है पहले बताओ? नहीं, नहीं. क्यों नहीं है? किसमें आराम करते हैं? आराम करना वेस्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है. वेस्ट करना नहीं है. सो रहे तो वेस्ट है कि नहीं है? वेस्ट है. वेस्ट है तो यानी सोना नहीं चाहिए. सोना चाहिए. 24 घंटे जागे रहेंगे तो कितने दिन तक सरवाइव करेंगे? क्या करेंगे? रात में सोनेगा. देखो, सोना टाइम वेस्टेज नहीं है. ओवर स्लीप करना टाइम वेस्टेज है. ओवर स्लीप करना यानी क्या? ज्यादा सोना. ज्यादा, बहुत ज्यादा. आदमी को जितनी नींद चाहिए उतनी नींद लो, कौन मना कर रहा है? मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ आप लोग सोएंगे नहीं. अच्छा, खेलना टाइम वेस्टेज है? हाँ. खेलना टाइम वेस्टेज है? हाँ. अरे बच्चे खेलेंगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? आपके हैंड्स एंड लेग कैसे ग्रो करेंगे? आपको खेलने कौन मना कर रहा है? हम लोग खेलने मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोने मना नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या मना कर रहे हैं? बहुत ज्यादा करना, फजूल की गेम्स खेलना जिसमें टाइम वेस्ट होता है. तो अभी टाइम वेस्ट कब होता है और कब नहीं होता है वो समझना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? क्यों जरूरी है? टाइम बहुत वेस्ट होगा, ताकि टाइम अच्छा यूज करेंगे तो आगे जाके जिंदगी में काम आएगा वो टाइम. और वो टाइम फिर से आने वाला है? नहीं. एक बार टाइम गया तो दोबारा नहीं तो गया. फिर से आप अभी क्या एज हो गई आपकी? मेरी 11. 11 इयर्स. अभी आप फिर से 10 इयर्स बन सकते हैं? नहीं. फिर से 9 इयर्स बन सकते हैं? और 12 जब बन जाएंगे तो फिर से 11 बन पाएंगे? नहीं. तो जो एक बार टाइम गया वो गया. तो उसको अच्छे से यूज कर ला, समझदार की निशानी है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीमतानी, दो नेमतें हैं जो अक्सर लोग वेस्ट करते हैं. वो क्या है? अस्सेहतु वल फराग. सेहत और टाइम. फ्री टाइम. सेहत यानी क्या? ताकत. ताकत. सेहत यानी क्या? तंदुरुस्ती. तंदुरुस्ती यानी क्या? तंदुरुस्ती यानी मोटे. तंदुरुस्ती यानी मोटे. तंदुरुस्ती यानी क्या? मोटे. मोटे. और जो आप दुबले पतले हो गए वो तंदुरुस्त नहीं होते हैं. तंदुरुस्ती एक्चुअली मतलब गुड हेल्थ. गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत हो. बीमार हैं तो इन्हें तंदुरुस्त नहीं है. सेहत नहीं है, सेहत. हाँ. फराग यानी फ्री टाइम. तो फ्री टाइम लोग क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं. वेस्ट करते हैं. छोटे लोग वेस्ट करते हैं, बड़े लोग वेस्ट करते हैं? सब लोग वेस्ट करते हैं. सब लोग वेस्ट करते हैं. तो अगर छोटे से ही आपकी अच्छी आदत हो जाए कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अयान, आप टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं. हाँ. अब्दुल्ला, टाइम वेस्ट करेंगे? अगर आपकी बचपन से अच्छी हैबिट बन जाए, बड़े होके भी इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें. iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.